अस्सलाम वालेकुम वीवर, ईद दिलहज का चांद बहुत बहुत मुबारक हो सबको। और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है गाय आ चुकी है। ये देखिए वीवर्स, ये उतार रहे हैं गाय को और ये मेरे जेठ हैं उतार रहे हैं। और मैं ऊपर से घर पे खड़े होके इस वीडियो बना रही थी क्योंकि मुझे गाय से बहुत डर लगता है, क्योंकि ये जब इस तरह से उतरती हैं तो अक्सर जो है इनका मारने का खतरा होता है, तो इसलिए मुझे डर लगता है। और ये देखिए, ओ ये तो गिरते गिरते बची है, लेकिन देखिए माशाल्लाह से सीधी गाय हैं, ऐसी और गायों की तरह अड़ियल नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जब हम किस तरह से कुर्बानी का जानवर लें तो हमें चाहिए कि हम उनकी ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करें और उन्हें प्यार दें कि ये कुर्बानी का जानवर है। और ये दूसरा नूर अज़ल, ये बबली कैटल फॉर्म से लिया है, ये मेरी नन का है, हमारी नन का और हमारा साथ ही आता है। तो ये तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ही प्यारा है और ये तो स्पेशली फार्म से लिया गया है, कैटल फार्म से, बबली कैटल फार्म है वहाँ से लिया है हमारी नन ने। उनके बच्चों को ज़रा बहुत ज़्यादा शौक है जानवर का और बहुत ही एक्साइटेड होते हैं वो, जब उनके जो है उनका जानवर आता है तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और उसके लिए जो है अच्छे से अच्छा इंतज़ाम करते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, पूरी चांद रात तक जो है रातों को जागते हैं, उनके बाद स्ट्रे करते हैं। तो बस ये कि अल्लाह सबकी कुर्बानी कबूल करे बस, और हमें चाहिए कि हम लोग जो हैं पूरे खलूस नियत के साथ कुर्बानी का फरीज़ा अदा करें। और इंशाल्लाह बकरीद के बाद आपको मज़ेदार सी रेसिपियों के साथ मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।